कोटा में युवक की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस के अनुसार रामपुरा क्षेत्र में छोटी समाज के निकट चाय की दुकान लगाने वाले शिवम मेहरा और उसके भाई पर दीपक पंडित ने चाकू मारकर दो दिन पहले हमला किया था, जिनका उपचार MBBS अस्पताल में चल रहा था। वहीं इलाज के दौरान शिवम मेहरा की मौत हो गई। कोटा से तेजपाल बग्गा की रिपोर्ट। ये कोतवाली थाना क्षेत्र में 5 तारीख को एक व्यक्ति के साथ, वैसे दो भाई थे, इन दो भाइयों के साथ चाकूबाजी कर दी। दीपक नाम के वैष्णव ने इस चाकूबाजी में शुभम मेरा जो है जेर इलाज था या कोटा सरकारी अस्पताल में, आज उसकी मृत्यु हो गई है। हम उसका पोस्टमार्टम करा रहे हैं। और दूसरा भाई भी है जो जेर इलाज है, वो भी अस्पताल में है। जो भी विधि सम्मत है कार्रवाई हम कर रहे हैं, उसका मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराएंगे और करा के जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी उसमें हम मुलजिम को गिरफ्तार करें और उसको जेल करें।